हेलो फ्रेंड्स, आज हम बालू मिट्टी के शिवलिंग बनाना बताएंगे आपको। तो देखिए, बालू मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो देखिए, पहले बेलपत्र रखेंगे। पहले एक बेलपत्र रखा बड़ा। अब ये शिवलिंग बनाएंगे हम, जलाधारी बनाएंगे बालू मिट्टी की। और इसी से संबंधित एक गाना भी हम आपको सुनाएंगे। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। पहला वर जब मांगसिया ने वर देना भगवान, पहला वर जो मांगसिया ने वर देना भगवान। मिल गई रे कौशल्या जैसी सास, ससुर राजा दशरथ से। मिल गई रे कौशल्या जैसी सास, ससुर राजा दशरथ से। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। हो बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। चढ़ाऊं लोटा जल भर के, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। देखिए, आप जलधारी बन गई है। अब शिवलिंग कैसे बनाते हैं देखिए। बहुत ही सुंदर बन गई जलधारी। अब शिवलिंग बना के हम पूजा करके बताएंगे आपको। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। ये देखिए कितने सुंदर शिवलिंग बनी है। जलधारी कितनी प्यारी बनी है, बहुत ही अच्छी लग रही है ये। ऐसे आप घर पे शिवलिंग बनाइए बालू का और उसकी पूजा करिए। इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे सीता मैया को कौशल्या माई जैसी सास मिली, उन्होंने भी वरदान मांगा था बालू के शिवलिंग बनाकर, और उसकी पूजा की थी। और दशरथ जी जैसे ससुर मिले, उन्होंने शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर से वरदान मांगा था। देखिए, शिवलिंग एक गिलास में बालू भर लेंगे। बालू भर ली गिलास में और इसको शिवलिंग देखिए कैसा बनता है। इतना सुंदर शिवलिंग बना है, बहुत ही प्यारा। ये देखिए कितना प्यारा शिवलिंग आपको हम बता रहे हैं बनाकर। आप भी ऐसे ही घर में बालू का शिवलिंग बनाइए और उसकी पूजा करिए। भगवान शंकर से वरदान मांगिए, जो भी आपकी मनोकामना है उसको पूर्ण करिए। और पूजन के बाद इसको किसी भी पेड़ के वहाँ पर जाकर इनका विसर्जन करेंगे। ये देखिए शिवलिंग, आप बहुत ही प्यारा शिवलिंग बनकर तैयार हुआ है। 5 मिनट में शिवलिंग तैयार हो गया है बनकर। ये देखिए जलधारी कितनी अच्छी बनी है। ऐसा ऐसा ये देखिए आप, कितना प्यारा शिवलिंग है। हाँ, ये 5 मिनट में पहले एक बेलपत्र रखा तो जलधारी बनाई, फिर एक छोटे गिलास में, ये आपको गिलास का साइज बता रही हूँ, इस गिलास में बालू भर के और शिवलिंग बना के तैयार किया है 5 मिनट में। अब इसकी हम पूजन करेंगे।
तो आप भी 5 मिनट में अपना बालू का शिवलिंग बनाकर तैयार घर पर करें और उनकी पूजा करें और शंकर भगवान से अपनी मनोकामना बोलें तो वो पूर्ण होगी आपकी। देखिए फ्रेंड्स, अब शिवलिंग हमारा बालू का बनकर तैयार हो गया है और अब हम उसकी पूजा करेंगे। पहले हम बेलपत्र चढ़ाएंगे, अब फूल चढ़ाएंगे, ये देखिए एक फूल और चढ़ाएंगे, ये देखिए कितने प्यारे शिवलिंग बना है बालू का। आप भी बनाएं और पूजा करें, अपनी मनोकामना पूर्ण करें। इस बाद में इसके लिए जय श्री महाकाल। पूरा वीडियो मेरा शुरू से आखिरी तक देखने के लिए जय श्री महाकाल। देखिए तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मेरे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया शिवलिंग बना है और आप भी पूजा करें, हर मनोकामना पूर्ण हो भगवान आपकी। तो जय श्री महाकाल।